नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं हूं आपके साथ सागर मिश्रा। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 2019 में लोकसभा चुनाव कन्नौज से लड़ेंगे। इसके साथ ही मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में कन्नौज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर अखिलेश यादव ने यह घोषणा की। इस दौरान उनकी पत्नी और कन्नौज के सांसद डिम्पल यादव भी मौजूद थे। अखिलेश यादव ने कहा कि आज कन्नौज लोकसभा सीट के कार्यकर्ताओं की चुनावी समीक्षा बैठक हो रही है। इसके बाद सभी लोकसभा सीट की तैयारियों की समीक्षा मैं खुद करूंगा और गठबंधन में जाने वाली सीटों का समय रहते ही सुनिश्चित किया जाएगा। सपा कार्यकर्ताओं गठबंधन उम्मीदवार को जिताने का काम करें। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत में पहले से सुधार है। नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार उनकी हालत अब स्थिर है, लेकिन उन्हें अभी कुछ दिन और एम्स में रहना होगा। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करते हुए बलरामपुर में हवन और यज्ञ का आयोजन किया गया। सांसद विधायक समेत तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय में हवन पूजन किया। यहां आपको बताते चले कि अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार साल 1957 में बलरामपुर से ही चुनकर देश के सर्वोच्च सदन संसद में पहुंचे थे। अटल जी साल 1957 से लेकर 1971 तक जिले की सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहे। जैसा कि हम सब लोग अवगत हैं कि बलरामपुर से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत अटूट नाता रहा है। अगर मैं कहूं कि अटल बलरामपुर और अटल जी एक दूसरे के पर्याय रहे हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बलरामपुर वासियों के रोम रोम में रचे बसे हैं अटल जी। बलरामपुर को ये सौभाग्य प्राप्त है कि पहली बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में यहाँ से चुन करके भेजने का आदरणीय अटल जी को। लगातार 20 वर्षों तक बलरामपुर में काम किया है अटल जी ने। हम सब बलरामपुरवासी जो है उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए यहाँ पर हवन का आयोजन किए हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए पाठ का आयोजन किए हैं। उसी कड़ी में आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं। हम सब लोग कामना करते हैं कि एक बार फिर देश की बेटी ने अपने परिवार का गौरव बढ़ाया है। हुनर और संकल्प के आगे आसमां भी अपना सर झुका लेता है। एक ऐसी मिसाल पेश की है सोनभद्र की बेटी वर्तिका ने। कलर्स चैनल में चल रहे डांस प्रोग्राम में अपना प्रदर्शन कर लोगों का मन मोह लिया। महज 18 साल की वर्तिका ने डांस दीवाने में धमाल मचाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी है। इस उपलब्धि से जहां एक ओर खुशी है, वहीं मेगा राउंड में शामिल नहीं होने पर वर्तिका को इसका अफसोस भी है। नमस्कार, मैं लाइव 24 के साथ अर्जुन कुमार सिंह। आज मैं आपको वंदिका झा जी से मिलवाना चाहूँगा, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें हमारी लाइव 24 की टीम को दिया है। आज मैं उनसे आपके फादर से भी मिलवाऊंगा। उनसे आज हम लोग उनसे वार्तालाप करेंगे कि उनको कैसा फील होता है। आप सर बताइए कि आप अपनी बेटी को इस मुकाम पे देख के आपको कैसा लग रहा है। नमस्कार, इस मुकाम पर अपनी बच्ची को देख कर जो अनुभूति होती है उसको बयां तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ एक ये महसूस जरूर हुआ कि अगर उसकी सफलता में हमारी भी सफलता हुई, ऐसा हमें महसूस हुआ। बचपन से आपने इसमें इनमें कोई खूबियां तो देखी होगी जो आपको लगा होगा आज ये इस मुकाम पे पहुंच जाएंगी। यस, बचपन में खूबियां तो दिखती है, गार्जियन को भी दिखती है, क्योंकि तो डांस के प्रति इसका रुझाव बचपन से ही रहा है। क्योंकि ये सोते समय ही अगर इसके कान में कुछ आवाज़ सुन जाने की आ जाए तभी ये डांस करने के मूड में आ जाती है, सोते समय ही। तो कुछ ऐसा था इसलिए हम लोग शुरू से इसको प्रमोट किए कि इसमें आगे निकले और पढ़ाई के साथ साथ इस पर हम लोग विशेष थोड़ा सा ध्यान दिए, जिसकी वजह से आज यहाँ तक पहुँच पाई है। चलिए, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए इसको, ताकि ये हमारे प्रदेश का, हमारे जिले का, हम लोग का, सारे लोगों का नाम पूरे देश में और पूरे विश्व में करें। मैम, आपको कैसा लग रहा है अपनी बेटी को इस मुकाम पर देख के? मतलब बहुत प्राउड फील हो रहा है अपनी बच्ची को इस मुकाम पर देख के, और इसकी मेहनत लगन से मतलब 100% हमको मतलब विश्वास है कि पूरे विश्व में अपने देश का नाम रोशन करेगी। धन्यवाद मैम। आपको कैसा फील हो रहा है इस मुकाम पर पहुँच के? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और वहाँ पे डांस दीवाने के शो पे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला मेरे को, बहुत कुछ सीखने को मिला, और वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे डांसर्स आए थे। लेकिन अभी आगे ऐसे ही अच्छा करते रहना और बहुत आगे जाना। यूपी पुलिस को सफलता हाथ लगी है। हापुड़ में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की।
पुलिस जांच में तलाशी के दौरान तीन बाइक सवार के पास से चाकू बरामद किए। पुलिस पूछताछ में तीनों मोटरसाइकिल भी चोरी की निकली, जिसके बाद चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने उनके पास से 9 और मोटरसाइकिल बरामद की है। ये कल शाना चौपला पे चेकिंग कर रही थी पुलिस टीम, वहाँ दो तीन लोग संदिग्ध दिखे, फिर उनको रोक के चेक किया गया तो तीन लोग थे जिनमें एक एक मोटरसाइकिल थे, कागजात मांगे गए तो वो चोरी के निकले। फिर इनसे पूछताछ की गई, इनकी निशानदेही पर 12 मोटरसाइकिलें टोटल बरामद हुई। रामपुर जिले में एक भांजे ने अपनी ही मौसी की चेकबुक से 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। विधवा गुरमीत कौर की बड़ी बेटी की शादी 18 नवंबर 2016 को हुई थी, जिसके बाद घर में देखरेख करने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए विश्वास के चलते पीड़िता ने अपने भांजे सुखविंदर को चेकबुक बेटी की शादी की खरीदारी के लिए दी थी। उस वक्त नोटबंदी चल रही थी, पैसा पास में नहीं होने के कारण भांजे पर विश्वास कर पूरी शादी की जिम्मेदारी सौंप दी। आरोपी ने अपने नाम से 22 लाख रुपए और ससुर के नाम से 10 लाख रुपए का चेक काट कर 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़िता ने आरोपी भांजे के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अपराध को अंजाम देने के लिए बदमाश नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। मामला मऊ जिले के कोपागंज इलाके का है, जहां कुर्थी जाफर गांव से गायब एक बच्चे का शव भट्टे के चिमनी में लटका हुआ मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि गांव के ही एक लड़के ने कबूतर पकड़ने के बहाने उबैदुल्लाह को अपने साथ ले गए, लेकिन 12 घंटे बीत जाने के बाद भी जब उबैदुल्लाह वापस नहीं लौटा तो खोजबीन शुरू की गई, जिसके बाद उसका शव चिमनी में लटका मिला। परिजनों की माने तो उबैदुल्लाह का अपहरण फिरौती के लिए किया गया था। फिरौती या तो कुछ ऐसा मामला है, सैकड़ों की संख्या में चौकी इंचार्ज के साथ हम लोग भट्टे पे गए और भट्टे पे जा करके भट्टे की तलाशी लेना शुरू की है, तो अंदर बिल्कुल चिमनी के पास अंदर जहाँ कोयला डाला जाता है वहीं ये रस्सी से कसी हुई गर्दन। मामला शाहजहांपुर के खुटार थाना इलाके का है, जहाँ एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ रेप को अंजाम दिया गया। पीड़िता ने बताया कि अपहरण के बाद उसे कैद कर रात भर बलात्कार किया गया। उसने बताया कि आरोपी की मां और बहन भी शामिल है। फिलहाल पीड़िता की शिकायत कर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। 9 तारीख को मैं सुबह 4 बजे उठी और लड़के की मां और बहन और लड़का तीनों मुझे उठाकर गाड़ी में डाल दिया। फिर उनकी बहन भी और मेरे मुँह को पता नहीं क्या लगा, मैं बेहोश हो गई। इसके बाद जब मुझे पोस्ट आया तो मैं कमरे में थी और लड़के ने मेरे साथ जबरदस्ती की, और अगर करता था अगर तुमने किसी को हटाया तो तुम्हें जान से मार दिया। उसने गलत काम किया आपके साथ? जी। क्या नाम है उसका? परविंदर सिंह। कितने लोग थे सर? 3। बहन के साथ ऐसा जबरदस्ती हुआ है, लड़का जेल है मगर 2 लोग फरार हैं सर, उनकी माँ और बहन। लोग हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, पुलिस दबाव डाल रही है, पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। पुलिस को पैसा दिया हुआ है, पुलिस कुछ नहीं सर कर रही है हमारी, और 2 लोग फरार हैं, उन्हें सर जल्दी से जल्दी जेल भेजा जाए। किन लोगों ने आपकी बहन के साथ में रेप किया है? सर परविंदर सिंह उसका नाम है। ये किस तारीख की घटना है? ये 9 तारीख सुबह 4 बजे सर, उसकी माँ और उसकी बहन उसको गुस्सा फुसला कर ले गई सर, बेहोश कर गाड़ी में डाल लिया और वहाँ उसने सर अपने आप को कमरे में पाया। उसके बाद परविंदर ने जबरदस्ती की और मारने की धमकी भी दी उसे। हरदोई माधोगंज थाना इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब इस बात की सूचना गांव वालों को मिली कि बाग में सोए हुए एक युवक की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। माधोगंज के ग्राम गौरा में रजनीश यादव पुत्र सर्वेश कुमार यादव की बाग में सोते समय गोली मारकर हत्या हो गई है। क्या हो गई? प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये आदमी अभी हरियाणा में कहीं काम करता था और 3-4 दिन पहले ही आया था। अपनी बहन के यहाँ काम करने के बहन के यहाँ से मिलने के बाद ये आकर बाग में सोया हुआ था और किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी। इस संबंध में FIR पंजीकृत करके और विवेचना की जा रही है, अभियुक्तों के शीघ्र ही अनावरण करके कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए लाइव 24, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।